ओम शांति, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 2598, क्लैरिफाइड ऑन 3rd अगस्त 2018। रात्रि क्लास चल रहा था 24/8/1967। The night class dated 24/8/1967 was being discussed. दूसरे पीस की मध्याह्न में बात चल रही थी ब्रह्मा के बारे में। We were discussing about Brahma in the beginning of the middle part of the second page. बताया गया पुराना ब्रह्मा। It was said old Brahma. पुराना तनका असल नाम ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा इज इन द एक्चुअल नेम ऑफ द ओल्ड बॉडी। पुराना तन कौन सा? विच इज द ओल्ड बॉडी। और फिर उसका असल नाम क्या है? एंड व्हाट इज हिज एक्चुअल नेम? ब्रह्मा नहीं है असल नाम, तो ब्रह्मा नामधारी इनको जरूर रखना पड़े। इफ हिज एक्चुअल नेम इज इन ब्रह्मा, ही शुड सर्टेनली बी मेड द एक्टिंग ब्रह्मा। परम ब्रह्म नाम है पुराने तन का। परम ब्रह्म इज द नेम ऑफ द ओल्ड बॉडी। तो फिर इनको ब्रह्मा नाम रख दिया। देन दिस वन वाज नेम्ड ब्रह्मा। अभी तुम बच्चों को निश्चय तो है ना? नाउ यू चिल्ड्रन डू हैव फेथ, डोंट यू? सबको निश्चय है कि बरोबर हम बाप द्वारा वर्षा मिलता है हमें। एवरीवन हैज दिस फेथ, वी सर्टेनली रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर। और हम ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं और ब्रह्मा गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं। एंड वी आर ब्राह्मिन्स एंड ब्राह्मिनीज। ब्रह्मा इज प्रेज्ड, द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा आर ब्राह्मिन्स एंड ब्राह्मिनीज। तो जबकि अभी सभी इतने ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं, नाउ व्हेन देयर आर दीस मेनी ब्राह्मिन्स एंड ब्राह्मिनीज, और कोई भी तुम्हारे से पूछे, इफ एनीवन आस्क्स यू कि तुमको क्या मिलता है यहाँ जाने से, व्हाट डू यू गेट बाय गोइंग देयर, तुम जाती कहाँ हो, वेयर डू यू गो, और यहाँ जाके तुम क्या लेती हो, एंड व्हाट डू यू गेट बाय गोइंग देयर, तो तुम कहेंगे हम जाते हैं बाबा से विश्व की बादशाही लेने। देन यू विल से वी गो इन ऑर्डर टू रिसीव द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बाबा। बाबा से विश्व की बादशाही लेने? टू रिसीव द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बाबा। कौन से बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है? फ्रॉम विच बाबा डू यू रिसीव द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड? शिव बाबा से। फ्रॉम शिव बाबा। तो पूछा किससे गया? और जवाब देने वाला दे रहा है ना जिसे पूछा गया। सो हु वाज आस्क्ड? द वन हु वाज आस्क्ड इज आंसरिंग, इजंट ही? कि हम बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं। वी गो इन ऑर्डर टू रिसीव द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बाबा। तो क्या ये सही बात है? सो इज इट राइट? है, सही बात है। इज इट राइट? पुराने तन की बात हो रही है या नए तन की बात हो रही है? ब्रह्मा नामधारी पुराने तन की बात हो रही है। इज द ओल्ड बॉडी और द न्यू बॉडी नेम्ड ब्रह्मा बीइंग डिस्कस्ड? स्टूडेंट रिप्लाइज, द ओल्ड बॉडी इज बीइंग डिस्कस्ड। कोई भी तुम्हारे से पूछे कि तुमको क्या मिलता है, कहाँ जाती हो, इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट डू यू गेट, Where do you go? यहाँ क्या जा करके लेते हो? What do you get by going there? तो तुम कहेंगे हम बाबा से विश्व की बादशाही लेने जाते हैं। You will say we go there to receive the emperorship of the world from Baba. क्योंकि हम विश्व के बादशाह थे, मालिक थे। कौन ने, किसने जवाब दिया? For we were the emperors, the masters of the world. Who? Who answered? प्रजापिता ने जवाब दिया। Did प्रजापिता answer? अच्छा, प्रजापिता पढ़ता था 67 में। अच्छा, Did प्रजापिता used to study in 1967?
और प्रजापिता से कैसे पूछेंगे दुनिया वाले तुम कहाँ जाते हो, क्या जाके लेते हो? And how will the worldly people ask Prajapita where he goes and what he gets after going there? दुनिया वाले पूछ पाएंगे उससे? Will the worldly people be able to ask him? तुम मर्ज करके बाबा बोलते हैं उससे, फिर Baba brings him forth in front of him and talks to him. Then, फिर गुलथी सुझाओ, solve the puzzle. माना कोई ब्रह्मा कुमारी है जिसको बाबा कहते हैं तुम, क्या? It means there is certainly a Brahma Kumari whom Baba addresses as you. What? कोई न कोई ब्रह्मा कुमारी है ना जिसके लिए बोला सोमनाथ मंदिर है तो सोमनाथ में सोमनाथ ने भी होगी. There is certainly a Brahma Kumari, isn't there? For whom it was said, when there is the temple of Somnath, there will certainly be Somnathni with Somnath. Lakshmi, Student replies, Lakshmi, yes. तो विश्व की बात सही लेने जाते हैं. तो क्या ये सही बात है या झूठ बात है? We go to take the emperorship of the world. Is this concept true or false? सही बात है. It is true. और बाबा से विश्व की बात सही लेने जाते हैं. In addition, we go to Baba in order to take the emperorship of the world. लेने क्या? To take. What? देने के लिए नहीं. Not to give. किस लिए जाते हैं? लेने के लिए. अच्छा. Why does she go? She goes to take it. अच्छा. लोगे फिर दोगे नहीं किसी को? If you take it, won't you give it to anyone? हैं? दोगे? Will you give it? अच्छा विश्व की बात है. अच्छा, the emperorship of the world. विश्व की बात सही लक्ष्मी देगी है? Will Lakshmi give the emperorship of the world? क्योंकि हम विश्व के बादशाह थे, मालिक थे. It is because we were the emperors, masters of the world. भारत विश्व का मालिक था. भारत was the master of the world. क्या? What? कौन था? भारत. Who was the master of the world? भारत. माता या पिता? Was it the mother or the father? कौन मालिक था? Who was the master? पिता विश्व का मालिक था. The father was the master of the world. तो अब नहीं है. But he isn't that now. तो हम फिर विश्व का मालिक बनते हैं. Then we become the masters of the world. क्योंकि हमने 84 जन्म पूरा करके अभी हम फिर शुरू करते हैं पहले जन्म से. Because we start the cycle again from the first birth after completing our 84 births. तो ये बात भी समझा सकते हैं ना? So you can explain this point as well, can't you? और बोर्ड में भी लगवा सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले दिस ऑन द बोर्ड कि विश्व का विश्व की दैवी बादशाही मिल रही है. वी आर रिसीविंग द डिवाइन एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड. या बाप द्वारा विश्व की बादशाही मिल रही है. और वी आर रिसीविंग द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द फादर. दैवी राज्य का वर्षा मिल रहा है. वी आर रिसीविंग द इनहेरिटेंस ऑफ द डिवाइन किंगडम. ऐसा कुछ बनाए कर करके फिर बोर्ड भी लिख सकते हैं. यू शुड फॉर्म समथिंग लाइक दिस एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट इट ऑन अ बोर्ड. या ये कि हम अभी विश्व के फिर से देवी देवता यानी लक्ष्मी नारायण पद पाए रहे हैं. अदरवाइज यू मे राइट वी आर रिसीविंग द पोजिशन ऑफ द डीटीज ऑफ द वर्ल्ड दैट इज लक्ष्मी नारायण वंस अगेन. क्योंकि राजयोग सीख रहे हैं. इट इज बिकॉज वी आर स्टडीइंग राजयोग. ये भारत का राजयोग तो बहुत मशहूर है ना सारी दुनिया में. दिस राजयोग ऑफ भारत इज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड इजंट इट. तो राजयोग से बादशाही मिलती है. सो यू रिसीव द एम्परशिप थ्रू राजयोग. और तो कोई पढ़ाई है नहीं दुनिया में, न किसी ने पढ़ाई है.
कि कोई बादशाह ही देवे, जन्म जन्मांतर की राजा ही देवे। There is neither any other study in the world, nor has anyone taught it, so that someone may give you the emperorship, the kingship of many birds. तो हम राजे राजयोग सीख रहे हैं बादशाही के लिए। So we are studying Rajyog to receive the emperorship. तो ऐसा एक चित्र या बोर्ड बनावे, इस पर भी बैठ करके बहुत समझाया जा सकता है। So you should draw a picture or put up a board like this. You can sit and explain a lot about this as well. और लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की जीवनी कहानी भी बता सकते हैं। And you can also narrate the life story of the 84 births of Lakshmi Narayan. और इनके जन्म भी 84 बैठ करके समझाना पड़ा। And you will also need to sit and explain their 84 births. तो 84 जन्म के बाद ये फिर भी आएंगे जरूर ना, पहले जन्म की भी श्री बात सही लें। After 84 births, they will still come for sure to take the emperorship of the world in their first birth, won't they? ये तो चक्कर है दुनिया का। It is because it is a cycle of the world. ये चक्कर घूमता रहता है। This cycle keeps rotating. जन्म भी बैठ करके समझाना। You should sit and explain about the births as well. तो 84 जन्मों के बाद ये पढ़ेंगे भी, जरूर पढ़ेंगे। Then they will also study after 84 births. They will certainly study. क्या पढ़ेंगे? राजयोग की पढ़ाई पढ़ेंगे। What will they study? They will study the study of Rajyog. पढ़ते भी है जरूर ब्रह्मा द्वारा। They certainly study from Brahma. क्या? What? कौन? Who? कौन पढ़ते हैं? Who studies? कौन पढ़ते हैं ब्रह्मा द्वारा? Who studies from Brahma? है? कितनी देर? अरे विश्व की बादशाही की बात हो रही है, वो एक होगा कि सारे ही होंगे? You take so much of time. अरे we are discussing the emperorship of the world. Student replies, will it be one or everyone? बादशाही लेने वाले। Those who receive the emperorship of the world. एग्जैक्ट नाम नहीं बताएंगे। You won't tell the exact name. पढ़ते भी हैं जरूर ब्रह्मा द्वारा। They certainly study from Brahma. है लक्ष्मी पढ़ती है। Does Lakshmi study? अच्छा नारायण नहीं पढ़ता ब्रह्मा द्वारा। अच्छा doesn't Narayan study from Brahma? है परम ब्रह्म के द्वारा पढ़ते, अभी कहाँ धारा परम ब्रह्म जो पढ़ेंगे। They study from Param Brahma. Where was Param Brahma then, so that they would study from him? राम बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। They are studying from the father Ram. कि पढ़ने वाला राम बाप है। Or is the father Ram the one who studies? राम बाप बेसिक में आता है कि नहीं ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ने? Does the father Ram come to the basic knowledge to study from Brahma or not? लक्ष्मी नारायण दोनों की बात हुई ना। Both Lakshmi and Narayan are being discussed, aren't they? तो बाप रथ द्वारा ही पढ़ाते। So the father teaches you only through a chariot. क्या? What? कोई न कोई रथ तो जरूर चाहिए। He certainly requires some or the other chariot. तो तुम बच्चों को ये पॉइंट्स अच्छी तरह बुद्धि में हैं। So you children have these points nicely in your intellect. कि जब बैठते हो और समझते हो। So that when you sit and understand. समझते हो ना, है तो बहुत इजी समझाने के लिए। You do understand, don't you? It is certainly something very easy to explain. तो एक दिन आएगा जरूर जो ये समझाएंगे। Then there will certainly be a day when they explain. हो सकता है यहाँ भी कोई समय में कि क्या कहते हैं म्यूजियम खुल जाए। Perhaps even here at some time, what is it called? A museum may open up. और समय प्रति समय बच्चों को भेज देना पड़े, जाओ। And the children may have to be sent from time to time. Go. तुम भी जाकर के ट्रायल करो समझाने के लिए, जाकर के कुछ समझाओ। Go and try explaining to them.
गो एंड एक्सप्लेन समथिंग। कभी किसको समझाने के लिए भेज देवेंगे, कभी किसको भेज देवेंगे। समटाइम्स समवन एंड समटाइम्स समवन एल्स मे बी सेंट टू एक्सप्लेन टू देम। तो हो सकता है। सो इट इज पॉसिबल। ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है। इट इज इन दैट इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, अगर कोई पुरुषार्थ करे तो यहाँ जल्दी हो सकता है, म्यूजियम के मुकाबले। यस, इफ समवन मेक्स पुरुषार्थ इट कैन हैपन हियर सूनर व्हेन कंपेयर्ड टू द म्यूजियम। क्यों? व्हाई? यहाँ जल्दी क्यों हो सकता है? व्हाई कैन इट हैपन सूनर हियर? और सभी जगहों से भी यहाँ जल्दी हो सकता है, क्यों हो सकता है? Here it can happen sooner than all the other places. Why can it happen sooner? क्योंकि पढ़ाने वाला सामने मौजूद है। It is because the one who teaches is present in front. राजयोग की पढ़ाई बनाने वाला सामने मौजूद है ना? The one who teaches the study of Rajyog is present in front, isn't he? कौन? Who? ब्रह्मा है पढ़ाई पढ़ाने वाला है या शिव बाबा? Is Brahma or Shiv Baba the one who teaches the study? शिव बाबा है ना, तो यहाँ जल्दी हो सकता है। It is Shiv Baba, isn't it? So here it can happen sooner. परंतु यहाँ पुरुषार्थ करने वाला कोई है ही नहीं। वाला। However, there isn't anyone who makes purushartha here at all. हद तेरा भला हो, an expression of disappointment. 67वें विश्व की बादशाही लेने वाला पुरुषार्थ करने वाला कोई था ही नहीं। Wasn't there anyone at all who takes the emperorship of the world who makes purushartha in 1967? है? था या नहीं था? Was there someone or not? था, कौन था? Student replies, there was. Who was it? वो जा उसको ज्यादा मालूम होगा। He must know more. कौन था विश्व की बादशाही लेने वाला? Who was the one who takes the emperorship of the world? लक्ष्मी थी, वो विश्व की बादशाही लेती है। Student replies, was it Lakshmi? Does she take the emperorship of the world? फिर देती है किसी को? Does she give it to anyone? तो किससे लेती है? From whom does she take it? अरे मूल चीज को पकड़ना चाहिए ना। अरे यू शुड टेक होल्ड ऑफ द ओरिजिन, शुडंट यू? है? यहाँ पुरुषार्थ करने वाला कोई है ही नहीं विश्व की बादशाही लेने के लिए। हियर देयर इजंट एनीवन एट ऑल हु मेक्स पुरुषार्थ ऑफ टेकिंग द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड। कब की बात? व्हेन इज इट अबाउट? 67 की बात है, 67 में तो कोई था ही नहीं। इट इज अबाउट 1967. There wasn't anyone in 1967 at all. तो फिर? Then? 67 में नहीं था, इसका मतलब आगे आने वाला है। तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, पढ़ेगा किससे? When there wasn't anyone in 1967, does it mean someone is going to come in future? However, Brahma certainly left his body. Through whom will he study? किससे पढ़ाई पढ़ेगा? Through whom will he study? भले शरीर छोड़ दिया है, लेकिन शिवबाप कहाँ रहे फिर 67 के बाद? Though he left his body, where did the father Shiv go after 1968? प्रजापिता से खुद ही। Student replies, yes, through Prajapita himself. यहाँ आना पड़े, कहाँ आना पड़े? He will have to come here. Where will he have to come? ब्रह्मा के दरबार में आना पड़े, दादा लेखराज का दरबार ही था ना। He will have to come in Brahma's court. He was a courtier of Dada Lekhraj, wasn't he? शरीर छोड़ने के बाद भी किसका कहा जाएगा? Even after he leaves his body, whose courtier will he be called? तो पुरुषार्थ करने वाला 67 में अभी यहाँ कोई है नहीं। So there isn't anyone at all who makes purusharth here now in 1967. भले पुराने भी बहुत हैं। Even though there are many old ones. देखो ये विश्वरतन दादा। Look at this विश्वरतन दादा। कहते हैं ना इसे दादा। He is called दादा, isn't he?
ये भी पुराना है, ही इज ऑल्सो ओल्ड। पर इनमें भी इतना तो है नहीं पुरुषार्थ का लगाओ। कोई से बातचीत कर करके या ढूंढ करके ले आवे। However, even he doesn't have that much attachment for Purusharth, so that he talks to someone or looks for someone and brings them. और न यहाँ कोई ऐसी मान्या है। क्या कहा? And here there aren't any of such mothers either. What was said? कहाँ की? Of where? Mount Abu की संसार सच में। Of Mount Abu in 1967. वहीं हो चाहे मनमोहिनी दीदी हो चाहे कुमार का दादी हो। Which may either be मनमोहिनी दीदी और कुमार का दादी among the mothers. ऐसी कोई माइया नहीं है जो पुरुषार्थ करके जाके जांच करे तो कोई जगह मिलती है। There aren't any mothers like this who would make purushart and go in search of some place. नहीं तो ये चक्कर लगाती रहती है कि भाई जांच करे कोई अच्छा। Otherwise, they keep making rounds so that they would find some good. बाबा कहते रहते हैं कोई सेंटर के लिए जांच करें। बाबा keeps saying, someone should search places for centers. ऐसे भी कोई नहीं है। There aren't even such ones. ऐसा कोई पुरुषार्थी ही नहीं है। There isn't any purusharthi like this at all. माउंट आबू में संसार सच में। In Mount Abu, in 1967. फिर समझते हैं कि पता नहीं ड्रामा में है या नहीं है। Then he thinks, don't know whether it is fixed in the drama or not. ऐसा हैंड कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? Will I find such a hand or not? शायद कोई एक दिन जरूर निकल पड़ेगा। कैसा? Perhaps someday someone like this will certainly come up. How? कोई हैंड यहाँ आकर के जांच करेंगे। कि यहाँ क्या वास्तव में विश्व की बादशाही लेने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है? Some hand will come here and find out whether the study of receiving the emperorship of the world is taught here in reality or not. यहाँ जांच करके जमीनें भी ली जा सकती हैं। You can look for lands and even buy them here. ली जा सकती हैं या पुराना किसी का हो तो लेकर के नया भी बना सकती हैं। You can buy them or if it is someone's old property, you can buy it and even renovate it. क्या? What? यहाँ होना भी जरूर है क्योंकि तुम हैं अभी चैतन्य दिलवाड़े। We certainly need to have lands here, for you are the living Dilwara now. वो जलवाड़ा जड़ दिलवाड़ा मंदिर है जड़ मूर्तियों का। That is the non-living Dilwara temple with non-living statues. वो यादगार है। और तुम असली हो वहाँ भाई। That is the yadgar, and you are the real ones. Wow. ऐसा कोई पुरुषार्थी है भी नहीं और तुम दिलवाड़ा मंदिर की मूर्ति हो गए। There isn't even any of such purusharthi here, and you became the statues of the Dilwara temple. ये कैसे? How is it possible? अरे हाँ, इमर्ज करके माने लक्ष्मी नहीं थी उस समय, वो दिलवाड़ा मंदिर की देवी नहीं है। अरे, student replies, yes, by bringing them in front of him. It means Lakshmi wasn't there at that time. She isn't the Devi of the Dilwara temple. भविष्य की बात है। अच्छा? Student replies, is it about the future? अच्छा? Dilwara अभी मंदिर तो नहीं कहेंगे। Dilwara certainly won't be called a temple now. क्योंकि ये तो चैतन्य दिलवाड़ा हुआ ना। Because this is certainly the living Dilwara, isn't it? ये तो चैतन्य दिल वाले हैं। They are the living दिल वाले, meaning those with a heart. इसको यूनिवर्सिटी कहेंगे। It will be called a university. कैसी यूनिवर्सिटी?
एक एक की दिल लेने वाली यूनिवर्सिटी। What type of university? The university that takes the heart of each and every one. के विश्व की बादशाही लेने की दिल है। Do you have the heart to take the emperorship of the world? कि छोटी मोटी बादशाही मिल जाए वो ही काफी, अरे कहाँ इतनी मुसीबत में पड़ेगी। Or is it enough if you just receive a small emperorship? अरे why should we get involved in such trouble? क्योंकि कॉलेज स्कूल वगैरह जो होते हैं तो दिल लेने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा देते हैं कमाई के लिए। इट इज बिकॉज कॉलेजेस स्कूल्स एटसेट्रा टेक पीपल्स हार्ट बिकॉज दे प्रोवाइड एजुकेशन फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। तो ये दिल लेने वाली यूनिवर्सिटी है। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी दैट टेक्स पीपल्स हार्ट। और ये बैरिस्टर भी दिल लेने वाला ठहरा। एंड दिस बैरिस्टर इज ऑल्सो द वन हु टेक्स पीपल्स हार्ट। किसको बैरिस्टर बताई दिया? हु वॉज कॉल्ड द बैरिस्टर? क्योंकि दिल से पढ़ाते हैं। It is because he teaches with all his heart. किसको बताया बैरिस्टर? Who was called the barrister? जो दिल से पढ़ाते। The one who teaches with all his heart. प्रजापिता कहाँ धरा था उस समय 67 में? Student replies, there wasn't Prajapita then in 1967. है? अरे लक्ष्मी को बैरिस्टर बताया। अरे student replies, लक्ष्मी was called the barrister. अच्छा वो पढ़ाते हैं। अच्छा does she teach? कि पढ़ने वाली थी उस समय। और was she the one who studied at that time? सुनते नहीं जा रहे। You don't listen attentively. क्योंकि पढ़ाते हैं दिल से कौन? It is because he teaches with all his heart. Who? ब्रह्मा बाबा। What? ब्रह्मा बाप? ब्रह्मा बाबा द फादर ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा दिल से पढ़ाते हैं, वो पढ़ा नहीं सकते क्या? ब्रह्मा बाबा टीचेस विद ऑल हिज हार्ट, कांट ही टीच? दिल है शिव बाबा को। डज शिव बाबा हैव अ हार्ट? शिव बाबा तो दिल ही नहीं है वो दिल से कहाँ से पढ़ाएगी? शिव बाबा डजंट हैव अ हार्ट एट ऑल, सो हाउ विल ही टीच विद ऑल हिज हार्ट? तो ये है दिल वाला मंदिर। क्या बैरिस्टर कैसे? So, this one is the Dilwara temple. What? How is he the barrister? Wow, bhai, dil se nahi padhate. Doesn't he teach with all his heart? Jo bhi Shiv Baba bolte hain, wo sari boli hui baatein dil se nahi padhate. Whatever Shiv Baba narrates, doesn't he teach all that he narrated with all his heart? Hain? Dil laga ke nahi kaam kar rahe hain? Phir? Isn't he performing his task with all his heart? Student replies, then? तो ये भी है, भी क्यों लगा दिया? So, this one is also that. Why was also added? ये भी है दिल वाला मंदिर। ये माने कौन? कौन? This one is also the Dilwara temple. This one. Who does this one mean? Who? है? ब्रह्मा बाबा। ये भी दिलवाड़ा मंदिर है, भी क्यों लगा दिया? ब्रह्मा बाबा he is also the Dilwara temple. Why was also added? हाँ, इससे पहले कोई और भी हो चुका है जो दिल लगा के पढ़ाई पढ़ाता था, परम ब्रह्म। हाँ yes, there was someone else before him as well who used to teach with all his heart. परम ब्रह्म, yes. 24/8/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। इट इज द थर्ड पेज ऑफ द नाइट क्लास डेटेड 24/8/1967। क्या होता है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं? व्हाट हैपेंस? शिव बाबा टीचेस थ्रू ब्रह्मा। अभी तो किसको भी बता सकते हो। नाउ यू कैन टेल एनीवन कि हम इस समय में जो सर्विस कर रहे हैं उसका यादगार मंदिर बना हुआ है यहाँ आबू में।
that the service which we are doing at this time, a temple has been built here in Mount Abu as its yadgar. जितनी आत्माओं ने सर्विस की है, है ब्राह्मण सो देवता बनने की. However many souls have done the service of becoming a deity from a Brahmin. तो ब्राह्मण बैठ करके नीचे पुरुषार्थ करते हैं, फिर ऊंची स्टेज में देवता बनते हैं. The Brahmins sit below and make purushart. Then they become deities with a high stage. तो दिलवाड़ा मंदिर में एक्यूरेट दिखाया गया ना, ऊपर छत में देवताएं. So it has been shown accurately in the Dilwara temple, hasn't it? There are deities on the ceiling above. ऊपर है ना, ऊंची स्टेज में. They are above in a high stage, aren't they? तो उनका मंदिर बना हुआ है यादगार. So the temple is built as their yadgar. Dilwala mandir. The Dilwala temple. Kya? What? Ek ek ki dil lene wala aur phir dil dene wala. The one who takes the heart of each and every one and then the giver of heart. Abhi dil lene wala to hai hi bap. Now the father himself is the one who takes the heart. कौन सा? Which one? शिव बाप, आत्माओं का बाप एक एक की दिल ले रहा है. The father Shiv, the father of the souls, is taking each and everyone's heart. बाप लेते हैं जबकि बैठ करके राजयोग सिखलाते हैं. The father takes it when he sits and teaches Rajyog. तब एक एक की दिल लेते हैं कि कौन राजाई लेने के लिए बाप से, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं. Then he takes each and everyone's heart to check who all make purushart to receive the kingship from the father, to achieve the complete inheritance from him. एक एक की दिल बैठ करके लेते हैं ना. He sits and takes each and everyone's heart, doesn't he? इनकी दिल किधर है देखो तो. Let me see where his heart is. इधर है कि उधर है कि इधर है कि विश्व की बादशाही लेने में दिल है. Is it here or there or somewhere else? Or is his heart set on taking the emperorship of the world? तो दिल लेता है एक एक. So he takes each and everyone's heart. दिल लेते हैं बच्चों की और बच्चों की दिल ले बाप दादा. He takes the children's heart and बाप दादा takes the children's heart. फिर गुरु क्या देंगे? Then what will the guru give? अरे जरूर यही बैठ करके ऊंच पद देंगे. अरे certainly this one himself will sit and give them a high position. कौन? Who? यही नहीं वही. Not this one but that one. कौन वही? Who is that one? सदगुरु, क्योंकि एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही सदगुरु. द सदगुरु, फॉर द वन अलोन इज द फादर द टीचर एज वेल एज द सदगुरु. सदगुरु ऊंच पद देंगे तो कौन हुआ सदगुरु? द सदगुरु विल ग्रांट यू अ हाई पोजीशन. सो हु इज द सदगुरु? शिव बाबा. शिव बाबा? शिव बाप को तो सदगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि तो शिव बाप तो बिंदी का नाम है. The father Shiv certainly won't be called the Sadguru. It is because the father Shiv is the name of the point. Sadguru to sakar hona chahiye. The Sadguru must be corporeal. To dekho, upar mein hai ki ye Baikunth ki badshahi di hai. So look, it is shown above that this is the emperorship of Baikunth that was given. Chhat mein dikhaiye. दिलवाड़ा मंदिर में. इट इज शोन ऑन द सीलिंग ऑफ द दिलवाड़ा टेम्पल. तो ऊपर में कैसे? हाउ इज इट अबव? आज भी तो दुनिया वाले समझते हैं ना कि स्वर्ग कोई ऊपर है. इवन नाउ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर दैट हेवन इज समवेयर अबव, डोंट दे? क्या ये मनुष्य लोक है और पाताल लोक में नरक लोक? व्हाट? This is the human world and there is the world of hell in the nether world. वहाँ राक्षसी राक्षस रहते हैं.
जस्ट डीमंस रिसाइड देयर. ऐसे समझते हैं कि ऊपर में वैकुंठ है. दे थिंक दैट वैकुंठ इज अबव. वो वैकुंठ की बात साईं शिव बाप ने दी थी. द फादर शिव गेव यू दैट एम्पररशिप ऑफ वैकुंठ. कि शिव बाबा ने दी थी. और डिड शिव बाबा गिव इट. है शिव बाबा ने वैकुंठ की बात साईं दी थी. शिव बाबा गेव यू द एम्पररशिप ऑफ वैकुंठ. गुरु के रूप में बैठकर. वेल सिटिंग एज योर गुरु. और यहाँ भी गुजरातियों में भी समझाया जा सकता है. एंड हियर इट कैन बी एक्सप्लेन्ड अमंग द गुजरातीज एज वेल नाउ. अभी इसका मतलब कोई गुजराती है ना मैं बैठा हुआ. नाउ मींस देयर इज अ गुजराती सिटिंग देयर इजंट देयर. है तो गुजरातियों बहुवचन क्यों बोला. Then why was it said in plural, the Gujaratis? लक्ष्मी एक ही है तो बहुवचन नहीं बोलना चाहिए. If it is just one Lakshmi, it shouldn't be said in plural. नारायण भी है. अच्छा. Student replies, there is Narayan as well. अच्छा. 67 में नारायण भी था. Was there Narayan too in 1967? गुजराती था कि यूपी था. Was he a Gujarati or of UP? अरे नारायण मान लो इमर्ज करके था भी तो वो यूपी का था कि गुजराती था. अरे सपोज इवन इफ नारायण वॉज देयर इफ ही वॉज ब्रॉट फोर्थ वॉज ही ऑफ यूपी और वॉज ही अ गुजराती. तो यूपी का हुआ क्योंकि यूपी में ही भगवान के प्रत्यक्ष होने के प्रमाण है भक्ति मार्ग में भी. ही वॉज सर्टनली ऑफ यूपी. It is because there is the evidence of God's revelation just in UP in the path of bhakti. Shankar Bhagavan ke roop mein dikhate hain, to bhi Kashi Vishwanath Gange kehte hain. Even if they show God in the form of Shankar, they say Kashi Vishwanath Gange. Kashi mein Shankar Bhagavan ka vas batate hain. They say there is the residence of God Shankar in Kashi. Ram Bhagavan ke roop mein dikhate hain, to bhi UP mein. अयोध्या. और कृष्ण भगवान के रूप में दिखाते हैं तो भी मथुरा में कृष्ण भगवान का यादगार बना हुआ है बड़ा. इवन इफ दे शो गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम देयर इज अयोध्या इन यूपी. एंड इवन इफ दे शो गॉड इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण देयर इज अ बिग यादगार ऑफ गॉड कृष्ण मेड इन मथुरा. तो यूपी का हो गया ना भगवान. सो गॉड सर्टेनली हेल्स फ्रॉम यूपी डजंट ही. तो भगवती कहाँ से आई. फ्रॉम वेयर डिड द गॉडेस कम. है गुजरात से. तो गुजरातियों क्यों कह दिया. अभी गुजरातियों में ये भी समझाया जा सकता है. अभी शी केम फ्रॉम गुजरात सो व्हाई वाज इट सेड गुजरातीज. नाउ दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन टू द गुजरातीज. नाउ इसका मतलब वो आई होगी तो उसके साथ पार्टी भी आई होगी ना गुजरातियों की. Means when she came, a party of Gujaratis would have also come along with her, wouldn't it? इसलिए बोला अभी यहाँ. अभी यहाँ गुजरातियों में भी ये समझाया जा सकता है क्या. This is why it was said. Now here, you can explain this to the Gujaratis as well. What? कि देखो वो दिलवाड़ा मंदिर है वो तो यादगार है. Look, that Dilwara temple is certainly a yadgar. वहाँ तो जड़ मूर्तियाँ रखी हैं. वो जड़ मूर्तियाँ कोई को समझाए थोड़ी सकती है. In fact, non-living statues are kept there. Those non-living statues certainly can't explain to anyone. असली समझाने वाले तो यहाँ बैठे हैं. The ones who can truly explain are sitting here. अच्छी तरह से समझा सकते. They can explain it nicely. खास अहमदाबाद में दिलवाड़ा मंदिर जो है स्वामी नारायण का मंदिर है ना एक. Especially the Dilwara temple that is in Ahmedabad, there is a temple of Swami Narayan, isn't there? वो दिलवाड़ा मंदिर हमारी यादगार है. That Dilwara temple is our यादगार. है हमारी क्यों कहा. Why was it said our? ब्रह्मा के मुख से कहा. इट वॉज सेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा.
हमारी क्यों कह दी है? Why was our said? क्योंकि वो दिलवाड़ा मंदिर है, जो अहमदाबाद में भी है, उसमें कोई अकेली राम वाली आत्मा सदगुरु के रूप में थोड़ी पार्ट बजाती है। It is because the soul of Ram certainly doesn't play the part in the form of Sadguru alone in the Dilwara temple at Ahmedabad. उसमें प्रवेश होके ब्रह्मा की सोल भी तो पार्ट बजाती है चंद्रमा के रूप में। The soul of Brahma also enters him and plays the part in the form of the moon. क्योंकि वो यादगार है। It is because it is the yadgar. 5000 वर्ष पहले ये हुआ था। This happened 5000 years ago. ऐसे समझा सकते हैं। You can explain it this way. क्या हुआ था? What happened? वैकुंठ की स्थापना हुई थी। There was the establishment of Vaikunth. और स्थापना हुई थी उसके लिए लड़ाई लगी थी। And as there was the establishment, a war broke out for it. क्योंकि पक्की स्थापना के लिए, पक्का राज्य लेने के लिए, संसार में वो राज्य प्रत्यक्ष हो, उसकी लड़ाई तो जरूर चाहिए। It is because a war is certainly required for firm establishment, for taking a kingdom firmly, and for the revelation of that kingdom in the world. और राजयोग भी सीखे। And you studied Rajyog as well. लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती नहीं। You certainly don't receive the kingship without a war. क्या? What? मिलती है? हद तेरी की नहीं। Do you receive it? हद तेरी की नहीं तो। लड़ाई के बगैर राजाई मिलती है? नहीं मिलती। Do you receive the kingship without a war? You don't. लड़ाई के बाद राजाई? There is certainly the kingship after the war. तो देखो, तो बरोबर वो राजयोग सीखते हैं। So look, they certainly study Rajyog. और जरूर लड़ाई लगी होगी तो वैकुंठ की स्थापना हुई होगी। And certainly there would have been a war and the establishment of Vaikunth. तभी तो अंग्रेज लोग कहते हैं। Only then do the English say. क्या उस वैकुंठ का नाम क्या कहते हैं? What? What do they call that Vaikunth? Heaven. Win किया ना? Heaven. It has been won, hasn't it? तो win किया है, तो नाम heaven रख दिया। So when it has been won, it was named heaven. तो वो वहाँ भी समझा सकते हैं। So you can explain this there as well. कहाँ? Where? कहाँ समझा सकते हैं? Where can you explain it? भूल गए, सुनते सुनते ही भूल गए, कहाँ समझा सकते हैं? You forgot it even while listening. Where can you explain it? तो वो वहाँ भी समझा सकते हैं। So you can explain it there as well. कौन के कहाँ के दिलवाड़ा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर ढेर सारे बना दिए। In the Dilwara temple located where they have built various Dilwara temples. हाँ, अहमदाबाद में। Yes, in Ahmedabad. वहाँ भी समझा सकते हैं। You can explain it there as well. परंतु बाबा समझते हैं, युक्ति से वहाँ इतना नहीं समझा सकते। However, Baba thinks the children can't explain it so tactfully there. क्योंकि वहाँ जैनियों का बड़ा हुजूम है। It is because there is a big crowd of the Jains there. क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना कि यह हमारा यादगार है। You children certainly know it is our yadgar, don't you? उनकी बुद्धि में थोड़ी बैठेगा। It won't sit in their intellect at all. वो तो लड़ जाएंगे, तुम्हारा यादगार कहाँ से आ गया? They will certainly fight with you, saying, how is it your yadgar? है? ये तो जिन्होंने जीत पाई इंद्रियों पर, वो जिनेंद्र जी महाराज का यादगार है। It is the yadgar of Jinendra ji Maharaj who gained victory over his indriya. है? जिनेंद्र तो भगवान को कहते हैं जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई। In fact, God is called Jinendra, the one who gained victory over his indriya. तुम कैसे भगवान हो सकते हो?
हाउ कैन यू बी गॉड? तो अभी नहीं समझा सकते। सो यू कांट एक्सप्लेन टू देम नाउ? क्योंकि तुम बच्चे तो जानते हो ना। इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन सर्टेनली नो है कि वास्तव में तो ये हमारा ही यादगार है। दिस इज अवर यादगार इन रियलिटी, डोंट यू? और ये पिछाड़ी है, और तो ऊपर में। एंड दैट इज द पास्ट फॉर्म, अबाउ नीचे में पिछाड़ी है, और ऊपर में आगे अगाड़ी है। बिलो इट इज द पास्ट एंड अबाउ इट इज द फ्यूचर, ऐसे कहेंगे ना? इट विल बी सेट लाइक दिस, वोंट इट? ऊपर में जो दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग में देवताएं छत में दिखाए गए हैं, वो आगे की बात। द पिक्चराइजेशन ऑफ डीटीज इन हेवन अबाउ ऑन द सीलिंग ऑफ द दिलवाड़ा टेम्पल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर, और अभी पीछे की बात। एंड नाउ इट इज अबाउट द पास्ट। तो नीचे में नरक है, और नरक में रह करके स्वर्ग की बादशाही मिलती है। देयर इज हेल बिलो, सो वी रिसीव द एम्पररशिप ऑफ हेवन व्हाइल स्टेइंग इन हेल। तो नीचे में नरक, सो देयर इज हेल बिलो। ऐसे तो नीचे में कोई नरक नहीं है। एज सच देयर इजंट एनी हेल बिलो। वो लोग समझते हैं कि पाताल में नरक है। दोस पीपल थिंक दैट देयर इज हेल इन द नेदर वर्ल्ड। भारतवासी ऐसे समझते हैं। द भारतवासी थिंक दिस वे, क्योंकि जानते तो है नहीं पृथ्वी गोल है। फॉर दे नो दैट द अर्थ इज राउंड। गोल पृथ्वी में इस ओर भारत है जहाँ स्वर्ग स्थापन होता है, और दूसरी ओर अमेरिका है। In the round earth, there is Bharat on one side, where heaven is established, and on the other side, there is America. तो वहाँ को बोल दिया वो पाताल लोग। So they have said for it, it is the nether world. पर पुरुषोत्तम संगम युग है। However, it is पुरुषोत्तम संगम युग। या नरक भी और स्वर्ग का भी मेल है। Here. There is the combination of hell as well as heaven. संगम है। It is the confluence. और पुरुषों में उत्तम संगम युग। यहाँ पुरुष माने मनुष्य आत्माएं। And it is the संगम युग where the best ones among the souls exist. Here पुरुष meaning human souls. उन पुरुषों में उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, वो इस युग में प्रत्यक्ष होता है। Who the soul that plays the most elevated part among those purush is, that is revealed in this age. तो ऊपर में सतयुग है। So there is the golden age above. ये तो समझ सकती हो ना बच्ची? Children, you can certainly understand this, can't you? कि नीचे में संगम। Below there is the confluence age. पुरुषोत्तम संगम युग है। द पुरुषोत्तम संगम युग। और ऊपर में वो ही पुरुषोत्तम देवी देवताओं का युग है। एंड अबाउ दैट इज द एज ऑफ दोस वेरी पुरुषोत्तम डीटीज। अभी ऐसे भी तो बच्चे बहुत समझा सकते हैं। खास करके किसको समझा सकते हैं? नाउ मेनी चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एक्सप्लेन लाइक दिस, टू होम कैन दे एक्सप्लेन इन पर्टिकुलर? है अरे खास करके किसको समझा सकते हैं? ऐसे ऐसे दिलवाड़ा मंदिर के बारे में। अरे टू होम कैन दे एक्सप्लेन लाइक दिस अबाउट द दिलवाड़ा टेम्पल इन पर्टिकुलर? कृष्ण को समझा सकते हैं। स्टूडेंट रिप्लाइज, यू कैन एक्सप्लेन टू कृष्ण। खास करके गुजरातियों को समझा सकते हैं। यू कैन स्पेशली एक्सप्लेन टू द गुजरातीज। गुजरातियों की तो बात हो रही थी, वहाँ क्यों समझा सकते हैं? We were discussing the Gujaratis themselves. Why can you explain it there? क्योंकि वहीं बड़ा जखीरा है। It is because there is a big group just there. वो जो ट्रस्टी है ना दिलवाड़ा मंदिर के, माउंट आबू के, वो कहाँ के हैं? The trustees of the Dilwara temple located in Mount Abu belong to which place? Mount Abu, Ahmedabad के। They belong to Ahmedabad. और वहाँ बहुत बड़ा
जमावड़ा है उनका एंड दे हैव अ वेरी बिग गैदरिंग देयर और वो जो दिलवाड़ा का नाम से दिल लेने वाले हैं वो भी वहीं से प्रत्यक्ष होते हैं इन एडिशन दोज हु टेक पीपल्स हार्ट हु गो बाय द नेम दिलवाड़ा आर आल्सो रिवील्ड फ्रॉम देयर कहां से फ्रॉम वेयर है सोमनाथ मंदिर जो यादगार बनता है संगम युग में फ्रॉम द सेंटर दैट बिकम्स द यादगार ऑफ द सोमनाथ टेम्पल इन द कॉन्फ्लुएंस एज अहमदाबाद है सब सेंटर्स का बीज रूप अहमदाबाद इज द सीड फॉर्म ऑफ ऑल द सेंटर्स बोला ना इट वॉज सेड वॉजंट इट तो सर्व सेंटर्स का बीज रूप अरे गुजरात में तो बाद में सेंटर खोले हैं बीज रूप कहाँ से हो गया सो द सीड फॉर्म ऑफ ऑल द सेंटर्स अरे द सेंटर्स इन गुजरात वर ओपन लेटर देन हाउ इज इट द सीड फॉर्म जो पहले खोला होगा सो बीज रूप होना चाहिए The center that was opened earlier should be the seed form. इस हिसाब से नहीं बताया बताया इस हिसाब से कि वो संसार की बीज रूप आत्माएं वहां से निकलती है अहमदाबाद से ही निकलती है इसलिए अहमदाबाद में वो यादगार मंदिर संगम युग में ही शूटिंग हुई और वो आत्माएं वहां से निकलती है It wasn't said from that point of view. It was said from this point of view that the seed form souls of the world are revealed from there, from Ahmedabad. They are revealed from Ahmedabad itself. This is why the shooting of that Yadgar temple took place in the confluence age itself. And those souls are revealed from there. तो वहाँ बहुत बड़ा जखीरा स्थापन हो जाता है. So a very big gathering assembles there. क्योंकि इस समय में इस तरफ से भी आते तो है ना? Because at this time people from this side also go for sure, don't they? कहाँ से? From where? दिलवाड़ा मंदिर में सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? From where do maximum people go to the Dilwada temple? गुजरात से आते हैं. गुजरात में भी अहमदाबाद से बड़े-बड़े सेठिया हैं, वो आते रहते हैं. They go from Gujarat. Even in Gujarat, wealthy merchants from Ahmedabad keep going there. भले नीचे आते हैं ज्यादातर जगदम्बा के पास दो दे मोस्टली गो बिलो टू जगदम्बा क्योंकि जगदम्बा का मंदिर आबू पहाड़ में नीचे की ओर बना हुआ है इट इज बिकॉज द टेम्पल ऑफ जगदम्बा एट माउंट आबू हैज बीन बिल्ट बिलो परंतु मंदिर तो खास तो पूरा फुल तो यही बना हुआ है ना बट इट इज दिस वेरी टेम्पल दैट हैज बीन बिल्ट कम्प्लीटली इजंट इट जगदम्बा भी यहाँ है और जगत पिता भी यहाँ है जगदम्बा एज वेल एज जगत पिता इज यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में कॉर्नर में काला देव भी बैठा हुआ है इन द दिलवाड़ा टेम्पल द डार्क डीटी इज ऑल्सो सिटिंग इन अ कॉर्नर क्या काला देव क्यों वॉट वाई इज ही द डार्क डीटी काली माई भी बैठी हुई है कोने में And the dark mother is also sitting in a corner. गुप्त जगह में बैठी है क्योंकि जगदम्बा गुप्त पार्ट बजाती है ना। She is sitting in a hidden place. For Jagdamba plays a hidden part, doesn't she? कहते हैं जगदम्बा सरस्वती सरस्वती नदी तो बीच में आती है बीच में चली जाती है गुप्त पार्ट बजाती है It is said Jagdamba Saraswati. In fact, the river Saraswati comes in between and goes in between. She plays a hidden part. तो यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में जो यादगार है दिलवाड़ा मंदिर की उसमें जगदम्बा भी है So, the yadgar of the Dilwada temple that is here, Jagdamba is also there in it. क्योंकि आदिदेव है तो आदिदेवी भी है It is because when there is आदिदेवी as well. आदिदेव माने बीज हुआ ना आदिदेव means he is the seed, isn't he? है? दोनों है यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में कहाँ माउंट आबू Both of them are here in the Dilwada temple. Where? At Mount Abu. तो ये ढेर सारी पॉइंट बच्चों को मिलती है So, the children receive many points. दिलवाड़ा मंदिर के बारे में समझाने के लिए और गुजरातियों को समझाने के लिए ढेर सारी पॉइंट
You receive many points to explain about the Dilwara temple to the Gujaratis. Om Shanti. Om Shanti.